बुफे में हमको अनेकों तरह के पकवान और व्यंजन परोसे जाते हैं, एक से बढ़कर एक होते हैं, दिखने में, स्वाद में, रंग में और आकार में हमको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। क्या हम उन सभी का स्वाद ले सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा अपनी प्लेट में लेकर उसको चख सकते हैं, पसंद आए तो जी भर के खा सकते हैं और पसंद ना आने पर उतना ही खाकर आगे बढ़ सकते हैं। हम उनमें से चुनाव करते हैं अपनी पसंदानुसार भोजन का और फिर आनंद लेते हैं उससे पेट भरकर। परंतु कभी कभी हमारा चुनाव पसंद के हिसाब से तो ठीक होता है लेकिन स्वास्थ्य की नजर से खरा नहीं उतरता। परिणाम स्वरूप हाजमा गड़बड़ा जाता है, पेट की समस्या भी हो सकती है जिसका अंजाम दुख और तकलीफ होता है। और अगर चुनाव करते वक्त हम इस बात को ध्यान में रखें कि हमारे शरीर के अनुसार कौन सा और कितना खाना हमारे लिए लाभकारी है, तब हम उस तकलीफ से बच सकते हैं। सारी बात आ जाती है चुनाव और परिणाम की। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में हमें बहुत से जीवन को व्यतीत करने वाले रास्ते उपलब्ध होते हैं। क्या करना है और किससे बचना है, कौन सा व्यवहार शीतलता प्रदान करता है और किस ढंग का रहन सहन कठोरता के अलावा कुछ नहीं देता। प्रतिस्पर्धा से हासिल किया हुआ सुख खुशी तो दे सकता है परंतु ऐसे सुखों की अभिलाषा बढ़ती जाती है और फिर वही दुखों का कारण बन जाती है। मेहनत हमेशा खुशी और शांति प्रदान करती है। सो बात चुनाव की ही आ जाती है। सोच समझकर और सूझबूझ के साथ चुनाव करके हम अपनी जिंदगी को बहुत ही खूबसूरती के साथ जी सकते हैं। गलत रास्ते पर चलकर हम उसका स्वाद अगर चख लेते हैं तो हमको ये ज्ञान हो जाता है कि ये रास्ता मेरे लिए कारगर नहीं है। तुरंत उसको त्याग कर सही मार्ग को चुन लेना ही हमारे मनुष्य होने की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अनुभव होना बुरी बात नहीं लेकिन अनुभव के बाद सही चुनाव करना ही मनुष्यता है और इंसानियत भी।